जी जोहार, नमस्कार। मैं जगन्नाथ और आप सब देख पा रहे हैं गिरिडीह। बताया जाता है गणतंत्र दिवस के अवसर पर राधा स्वामी संगठन के प्रदेश कार्यालय में किया गया झंडोत्तोलन। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राधा स्वामी संगठन के प्रदेश कार्यालय में संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश कुमार सिन्हा के द्वारा झंडोत्तोलन धूमधाम से किया गया। इस मौके पर श्री सिन्हा ने बताया कि आज ही दिन संविधान को लागू किया गया था और भारत गणराज्य की स्थापना हुई थी। यह उन दिन उन महापुरुषों की याद में मनाया जाता है जिन्होंने देश को स्वतंत्रता दिलवाने के बाद भी एक सशक्त और समृद्ध गणराज्य बनाने की राह में काम किया है। श्री सिन्हा ने यह भी बताया कि संगठन के द्वारा जल्द ही 12 ग्रामीणों को आवास जमीन के साथ दिया जाएगा। साथ ही संगठन की गिरिडीह जिला प्रभारी अनिशा सिन्हा ने संगठन के बेंगाबाद प्रखंड कार्यालय करणपुरा खंडोली में झंडोत्तोलन किया और सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर गिरिडीह कार्यालय प्रभारी सह वाहन योजना प्रभारी अमित कुमार, बेंगाबाद प्रखंड सह गांडे विधानसभा प्रभारी समीम अख्तर के साथ पंचायत प्रतिनिधि रामदेव महतो, फारूक अंसारी, सन्ना उल्ला, मासूम बेबी देवी, सरिता शर्मा, नीतीश वर्मा, दिनेश वर्मा, शकुंतला देवी, उर्मिला देवी, रीना देवी, पंकज तरवे के साथ कई ग्रामीण भी मौजूद रहे। आइए देखते हैं कैसे किया गया झंडा तोलन और इस मौके पर क्या कहा प्रदेश अध्यक्ष मुकेश कुमार सिन्हा ने। तो फिर बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहें कब, कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम। राधा स्वामी संगठन, राधा स्वामी संगठन विगत 13 वर्षों से सर्व समाज के उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रही है, प्रयास कर रही है, सामाजिक व आर्थिक मजबूती प्रदान करने की दिशा में कार्य जो है धरातल पर है। राधा स्वामी संगठन, जैसा कि सभी को ज्ञात है कि पूर्व में 15 अगस्त के दिन हमने दो आवास का जो है भूमि पूजन किया था, उनका चाबी सौंपने का कार्य भी जो है हम लोग पूर्ण कर चुके हैं और राधा स्वामी संगठन आज प्रदेश कार्यालय में झंडोत्तोलन जिस जगह पे कर रही है उस स्थान पर राधा स्वामी नगर बसाने का जो है संगठन ने बीड़ा उठाया है और 12 लाभुक का चयन किया गया है और सभी लाभुक को आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन राधा स्वामी संगठन ये विश्वास दिलाती है, आश्वस्त करती है कि बहुत जल्द उनको आवास पूर्ण करके देने का कार्य भी संगठन करने जा रही है। धन्यवाद। ना पड़ेगा भटकना फेक शेयर और व्यूज पर, क्योंकि क्या कब कहां कैसे की सबसे तेज और सटीक कवरेज मिलेगी आपको बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज पर। हर खबर को आप तक पहुंचाने से पहले खरे सोने की तरह तौलेगा। आप बने रहें बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।